वेल तो जी, बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री टू भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री टू भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है।
अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं, एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी, तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में
दुनिया में काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे। बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज
स्टेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है, जी हाँ 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे।
एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है, एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है,
तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी, तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है, जी हाँ 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है,
कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं, एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ,
डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी, बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है, इसका टाइम ड्यूरेशन टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी, तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है, जी हाँ 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को
कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 out of 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं, एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को
एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी, बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है।
तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 out of 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है, जी हाँ 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है,
कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं, एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ,
डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी, बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 out of 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी, तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है, जी हाँ 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है,
हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे।
एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है, एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है,
तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 out of 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए।
अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था। एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं। एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी, बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है। एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है। हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।
उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज़ की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है। हाँ, मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है।
हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की भी सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे।
एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है, आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर। वेल तो जी बाला जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी, बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रीमेक है, हाँ मैं बताता हूँ कि किस मूवी का रीमेक है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी मूवी तो है, इसमें आप लोगों को कोई भी शक करने की बात नहीं है कि इसमें हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो हाँ इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी 110% तक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाला मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलता है, एंड आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक भी ये एंगेज्ड रखती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, अच्छी चीज़ है, हर एक मूवी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो अपने ऑडियंस को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाए। तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बाला की, कि ये मूवी आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रख पाएगी। तो यहाँ पर हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस मूवी को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी बाला के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत से ही अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया है। यहाँ पर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है, बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग के बाद कि इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDB रेटिंग की अगर हम बात करें तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो है वो यहाँ पर 7.3 आउट ऑफ 10 रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है, एंड इसी IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 84% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन बताई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के जेनर पर, कि इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर इस मूवी का जेनर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है, कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी रखी गई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या रखा क्या गया है इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है,
तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरी बात करें तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है। जी हाँ, 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस की, तो बजट की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 172 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एंड इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की, किस मूवी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है जी अमर कौशिक ने, जिन्होंने बाला मूवी के अलावा स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज़ भी दी हैं एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो है वो स्त्री 2 भी लेकर आएंगे जल्द ही, साल 2024 में ही वो स्त्री 2 भी लाने वाले हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग इनकी मूवीज़ को एक चांस दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, इजीली अवेलेबल है, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, ये दोनों पर अवेलेबल है। आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक चांस आप लोगों का डेफिनेटली डिजर्व कर